मेरी झांसी की रानी, मत सुना झूठी कहानी, सच सच बताओ क्यों बहरा आंखों से पानी। आज मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही, उनका बर्थडे है आज और इसीलिए आप सबको नानू ने डिनर पे इनवाइट किया है। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हर साल किसी ना किसी बहाने से मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जैसे आप वैसे आपके नानू। बेटा पता है दर्द छुपाने से बढ़ता है और बांटने से कम हो जाता है। आपको और आपके नानू को अपना दर्द ऐसे छुपा के नहीं रखना चाहिए। नानू को रिग्रेट है कि उन्होंने मम्मा को वैभव कपूर से शादी क्यों करने दी। उन्हें लगता है कि वो ये सब होने से रोक सकते थे। मानव अंकल, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं फूट फूट के रोई होती, मम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल किया होता कि वो वैभव कपूर से शादी ना करे, तो आज मेरी मम्मा मेरे साथ होती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप और रितु मेरी लाइफ में पहले आए होते ना, शायद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने देते। बस 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 बच्चे, अब तो हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ओके बस बस। दीदी सुबह का टाइम है, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, ये बुके इतना बड़ा और भारी है मैं क्या ही बताऊं, मेरी तो सांस ही चढ़ गई उसको उठाते उठाते। ये कौन है जो हमारी हार सेलिब्रेट कर रहा है? कुरियर वाले को भेजने वाले का नाम तो नहीं पता था, लेकिन दीदी ये किसी निहारिका का बर्थडे प्रेजेंट है। बबली यहाँ। परेशान होने की क्या जरूरत है वैभव, एक बुके ही तो है, हो सकता है कि कोई हो जिसे मालूम नहीं है निहारिका की डेथ के बारे में, वो भेज दिया बुके, नॉट अ बिग डील। ओह इट इज अ बिग डील, ये किसी का भद्दा मजाक है, कोई तो है जो बहुत ही गंदा गेम खेल रहा है। मानव अंकल। हाँ बच्चे। पता नहीं नानू को ये केक और बुके वगैरह पसंद आएगा या नहीं, अगर उन्हें सबसे फिर से ये याद आ गया कि वो मम्मा को बचा नहीं पाए तो। बच्चे यही वहम तो नानू के मन से निकालना है, आप टेंशन मत लो, आज हम आपके नानू से ये केक कटवा करेंगे। पता नहीं नानू कैसा रिएक्ट करेंगे। आयशा रिलैक्स, हम सब हैं ना आपके साथ में, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अपनी कोई भी बात दिल में छुपा के रखने से हजार गुना अच्छा होता है उसे अपनों के साथ शेयर करना। हाँ तो हमारी विनिंग टीम आ गई। इधर है, इधर है। बच्चों का जन्मदिन असल में माँ बाप का जन्मदिन भी होता है। माँ बाप अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकते। हाँ एक बड़ा वाला टेम्पो भिजवा देना है ना, और सुनो दो एक्स्ट्रा आदमी भिजवा देना, कल ही सारी शिफ्टिंग खत्म करनी है मुझे। हाँ यार दे दूंगा आपको पैसे, आप काम तो खत्म करवाओ भाई साहब। हाँ ओके। घर का अरेंजमेंट हो गया? जी। एक टेम्पो हमारे लिए भी अरेंज करवा दीजिए प्लीज। मैडम टेम्पो मंगाया, रिक्शा नहीं,
आपका भी सामान आराम से आ जाएगा उसमें। वो ग्वालियर की जॉब ऑफर के बारे में मैंने बताया था आपको, याद है? हाँ? मैं वो ज्वाइन कर रही हूँ। आज शाम को ही उन्हें कंफर्मेशन दिया है। आप नए घर में नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए, हम भी ग्वालियर चले जाएंगे। ऐसे अचानक मैडम, क्यों? अचानक से कहाँ, ये तो तय ही था ना। आप लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमने सोचा कि हम भी ग्वालियर चले जाते। अब मैं अभी आती हूँ। पार्थ, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो ना? याद है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे नहीं रोकोगे, भूल गए? मैम अभी मुझे नींद आ रही है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस पर ऐसा क्या करूं कि आप रुक जाओ। कहाँ गया? मेरी जान, सुबह से वैसे ही दो कप, एक गिलास, तीन कटोरी टूट चुके हैं। शांत हो जा मेरी जान, शांत हो जा। और जो मेरा दिल टूटा है उसका क्या है? इस माचिस की डिब्बी में रहना पड़ रहा है, हमें भोपाल छोड़ना ही नहीं चाहिए था। देखो हटो, हटो यहाँ से। देखो यहाँ आके तो अच्छी खासी घड़ी भी बंद पड़ गई, और बंद घड़ी का मतलब जानते हो ना तुम? क्या? इसका मतलब है अब से बुरा वक्त शुरू। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब रात अंधेरी हो, सुबह में मेरा वक्त तो बहुत हसीन है, काश यही थम जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.